गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। मदा ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ब्रीच बेबी की मोमेंट इन वोम। तो आपको भी अगर ब्रीच बेबी है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपका भी, जो भी मेरी ऑडियंस है मुझे सुन रही है इस वक्त इस वीडियो के ज़रिए, अगर आपका भी ब्रीच बेबी का एक्सपीरियंस है तो वो कितने वीक्स में था, कितने मंथ में था और एंड ऑफ द रिज़ल्ट डिलीवरी आपकी नॉर्मल हुई, सेक्शन हुआ, वो सब कुछ बताना, ताकि जो और भी बहनें जुड़े हैं मेरी चैनल से उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी कुछ आइडिया मिल सके। मेरी वीडियोस का पर्पस ये होता है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी, अच्छी इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड हो। मेरे चैनल पे आए तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर हो, बस यही इंटेंशन होता है वीडियोस बनाने का, यही पर्पस है मेरी वीडियोस बनाने का। तो मुझे भी बेबी था ब्रीच, प्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। बेबी जो है सिंगल लाइव इंट्रायूटरिन फीटस नोटेड, यानी बच्चा सिंगल है। लंगेशनल लाइव विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन, यानी बच्चा आड़ा है। फीटल कार्डिक एक्टिविटी एंड मोमेंट आर नॉर्मल, यानी नॉर्मल है। प्लेसेंटा इज एंटीरियर अपर सेगमेंट, यानी प्लेसेंटा भी एंटीरियर अपर सेगमेंट है। लेकोर यानी पानी की क्वांटिटी भी बिल्कुल सही है। 29 वीक 0 डेज की प्रेगनेंसी, यानी 7 मंथ अराउंड है। बेबी ब्रीच था तो उसकी जो मोमेंट है, मुझे सिर्फ एक महीने के लिए बेबी ब्रीच था, उससे ज़्यादा नहीं है। बाद में बेबी जो है अपनी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ चुका था। तो मुझे जब बेबी ब्रीच था तो मुझे उसकी किक्स कहाँ पर और कैसे फील होती थी तो ये बताऊँ मैं। 9 मंथ कंप्लीट होते होते बेबी कई बार ऐसी मोमेंट करता रहता है, तो वो कभी ब्रीच होता है, कभी सिफेलिक होता है, तो पूरे पेट में जो है वो घूमता रहता है पूरे 9 मंथ तक। तो अगर आपका भी ऐसा 3rd मंथ, 4th मंथ, 5 मंथ में अगर ब्रीच है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एंड ऑफ द 9 मंथ आपका बेबी ब्रीच होना इट्स नॉट गुड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हाँ, सी सेक्शन हो सकता है। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो बेबी मेरा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में आ चुका था, वो भी अक्के शेयर करूँगी, अगर फिर भी मेरा सी सेक्शन हो, बिकॉज डॉक्टर भी एक टाइम सपोर्टिव होना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो मेरा जो बेबी था वो जो मोमेंट जब करता था तो मुझे ज़्यादातर फील होता था रिब्स में। रिब्स यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पर बहुत ज़ोरों का किक फील होता था। ये कुछ चला होगा 1 मंथ के आसपास, बहुत शदीद दर्द होना, पेट में दर्द होना, खाना प्रॉपर नहीं खाया जाना, सोने में दिक्कत फील होना, ऐसा फील होता था। एकदम पूरा आड़ा भी नहीं था बेबी, थोड़ा क्रॉस सेक्शन में, एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता दूँ मैं, ऐसा कुछ था मेरा बेबी। तो मुझे यहाँ पर पसलियों में और यहाँ ऊपर सीने के पास थोड़ा फील, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा था मेरा बेबी। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड किया, बेबी की जो पोजीशन आई थी तो बताया गया था कि फसलियों में सर है, ऊपर पैर है, ऐसा कुछ था। मगर बाद में जो 9 मंथ आते आते बेबी ने अपना जो हेड है वो नीचे कर लिया था और पैर ऊपर थे। ज़्यादा किक मुझे 9 मंथ में यहाँ फील होते थे चेस्ट के पास। तो ये थी मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की किक्स की जर्नी। मुझे ज़्यादा फील होती थी बेबी की जो मोमेंट है वो है रिब्स में। रिब्स का मतलब होता है पसलियों में हार्ड जो है, मुझे हार्ड हार्ड यानी बहुत ज़्यादा हार्डली फील होता था रिब्स में ज़्यादातर। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? बस मुझे एक महीना ही दिक्कत हुई 7 मंथ कंप्लीट होने के बाद। 8 मंथ स्टार्ट जैसे ही हुआ बेबी हेड ऑन पोजीशन में आया, मगर जब बेबी ने अपना सर टर्न करके नीचे लिया तब मुझे 1-2 दिन के लिए बहुत शदीद दर्द था पेट में, और ऐसा दर्द था कि आई थिंक अभी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी वैसा दर्द था। मगर नहीं, मुझे जब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जब पता चला कि बेबी ने अपना हेड डाउन जो है कर लिया है, उस वजह से मुझे ये रीज़न हो सकता है कि आपको शदीद दर्द फील हुआ। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो ब्रीच बेबी आता है सिफेलिक प्रेजेंटेशन में तब कैसा एक्सपीरियंस होता है, बहुत शदीद दर्द होता है। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, सबका होगा ज़रूरी नहीं, तो घबराएगा बिल्कुल भी नहीं, और पॉजिटिव रहें हमेशा, कॉन्फिडेंटली इंजॉय करें अपने हर एक सेमेस्टर को, जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड। और ये रही 9 मंथ की रिपोर्ट जो कि ब्रीच बेबी की है। बेबी यहाँ पर आप देख सकते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन, प्लेसेंटा देख सकते हैं, प्लेसेंटा एंटीरियर वॉल, अपर सेगमेंट थ्रेड
ग्रेड थर्ड मेच्योरिटी। तो यहाँ पर मेच्योरिटी आप देख सकते हैं, मेच्योरिटी ये बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ अपर सेगमेंट है, यहाँ पर थर्ड मेच्योरिटी आया है। तो होता रहता है ऐसा भी। और बेबी के FHR भी आप देख सकते हैं, 7 मंथ में 146 बीट पर मिनट बेबी का वेट एंड ही इज़ ए बेबी बॉय। तो मेरा जो बेबी था वो बेबी बॉय था ब्रीच प्रेजेंटेशन में। तो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि ब्रीच बेबी बॉय होता है या गर्ल होता है, तो मेरा एक्सपीरियंस बता दूँ तो मुझे बॉय था ब्रीच में। और ये रही 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि ब्रीच बेबी की है। और आप यहाँ पर अब उसका वेट वगैरह देख सकते हैं और FHR देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो ज़रा सी भी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है तो वहाँ पर जाकर ज़रूर बताना आप लोगों का एक्सपीरियंस, वीडियो कैसी लगी और मुझे वीडियो और अच्छी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, प्रेगनेंसी की जर्नी को अच्छे से इंजॉय करना, टेंशन फ्री रहना, एक अच्छी हेल्दी डाइट हमेशा से लेते रहना।